सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को काफ़ी दिनों के बाद में आप सभी को अपडेट देखने के लिए मिलेगा। दिल्ली मेरठ RRTS जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसका आप सभी को बताऊं कि ये 82 किलोमीटर का रूट है दोस्तों, और दिल्ली के सराय काले खां से स्टार्ट होती है और ये मेरठ के मोदीपुरम में जाकर इसका एंड हो जाता है। तो आप लोग तस्वीरें देखो, क्योंकि ये है मोदीपुरम, और मोदीपुरम से ही ये बायोडक्ट निकल के जा रहा है NH 34 के किनारे किनारे। तो आप सभी को बताऊं कि देखो, सारा बायोडक्ट जोड़ दिया जा चुका है, जहां जहां रह गया वहां जोड़ा जा रहा है, और इस मोदीपुरम में एक डिपो भी है, वो भी आप लोगों को दिखाऊँगा अगले अपडेट में। तो आप लोग पहले मोदीपुरम का स्टेशन देखो, सारी ट्रेनें यहीं पर आकर रुका करेंगी, जो RRTS की ट्रेन है दोस्तों, और जो मेरठ मेट्रो है वो भी आप सभी को इसी स्टेशन पर ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी, और इस स्टेशन को क्रॉस करने के बाद में फिर डिपो आ जाता है। तो देख सकते हो अभी ये बीम भरा जा रहा है, और बीम भरने के बाद में फिर इसको इसी तरीके से जोड़ दिया जाएगा। इसका कॉन्कोच लेवल बन चुका है, प्लेटफॉर्म लेवल पर अभी वर्क चल रहा है तेजी के साथ में, और जल्द ही बन के कम्प्लीट हो जाएगा। और देखो ये बीच के रोड के बीच में ये देखो पिलर खड़े कर दिए जा चुके हैं, क्योंकि इस साइड में मेरे लेफ्ट हैंड पे दोस्तों क्या है, एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है। तो उसका भी आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिलेगा अगली बार। तो देखो ये बीम डालने का काम किया जा रहा है, और इसमें ऊपर लॉन्चर भी लगा हुआ है जो कि बायोडक्ट को कनेक्ट कर रहा है। और जो ये वाला देखो लॉन्चर, ये जो क्रेन मशीन दिखाई दे रही है, यहाँ पर पहले लॉन्चर लग रहा था, लेकिन अब उसको उतारने का काम किया जा रहा है। नीचे देखो कुछ ही पार्ट बचे, एक सिंगल ही पार्ट बचा हुआ उतारने के लिए, बाकी उतर जाएगा। और किस तरीके से ये RRTS का बायोडक्ट दोस्तों NH 34 को हाईवे है उसको क्रॉस कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अपडेट दिखाया जाए, और ऐसे ही मैं कोशिश करता हूं आप सभी के बीच में कि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट लाने की कोशिश करूंगा। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो आप सभी। मैं लाता रहता हूँ आप लोगों के बीच में, और काफ़ी दिनों से, और मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं काफ़ी दिनों से कि मेरठ साउथ का RRTS का स्टेशन अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ है। तो आप सभी को बता दूं गाइस, क्योंकि इसका पहले उद्घाटन होना है, और उद्घाटन होने के बाद में ही इसको ऑपरेशनल किया जाएगा आम जनता के बीच में मेरठ साउथ का। लेकिन काम बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है, एकदम फिनिश, इस पर बस ट्रायल रन चल रहा है अभी। और मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि ये शताब्दी नगर तक ही ये ऑपरेशनल किया जाएगा, तो इसी वजह से उस रूट को मेरठ साउथ को नहीं खोल रहे हैं, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। ऐसा मैं मतलब लिख कर नहीं आ रहा, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आप सभी को, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है शताब्दी नगर में, तो इसी वजह से मुझे कन्फर्म थोड़ा सा लग रहा है, डाउट सा हो रहा है। आप लोगों की क्या राय है आप हमें नीचे कमेंट करके बताना। लेकिन इसका उद्घाटन होना है दोस्तों, अभी ना तो मोदी जी को टाइम मिल रहा है और ना योगी जी को टाइम मिल रहा है, क्यों, हर जगह तो बाढ़ आ रही है, तो बाढ़ की ही वजह से ही। और आप लोगों को बताऊं कि उपचुनाव भी होने वाले हैं, तो कुछ इस वजह से अभी टाइम नहीं लग पा रहा। देखो किस तरीके से यहाँ पर क्रॉस किया जा रहा है, देखो क्रॉस कर रही है RRTS की लाइन किस तरीके से, आप लोग देख सकते हो। ऐसे ही वीडियोस तो और भी पड़े हुए हैं मेरे चैनल पर, जो आप लोगों ने नहीं देखे हैं, आप लोग नहीं देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल पर वीडियोस, तो आप लोग ओल्ड वीडियोस भी देखो जाकर, बहुत कुछ आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है दोस्तों, उसमें सब कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग विजिट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। We'll be right back.
और गाइस ये आ जाता है पल्लवपुरम का स्टेशन, जो कि ये रोड के बगल से ही बनाया गया है। ये पल्लवपुरम है सारा, और देखो किस तरीके से ये बनाया जा रहा है। तो इसे आप लोग मेरठ नॉर्थ RRTS के स्टेशन मान सकते हो। देखो इस पर भी कॉन्कोर्स लेवल बन चुका है, प्लेटफॉर्म लेवल पर ही काम किया जा रहा है, और इसकी कॉन्कोर्स लेवल की जो दीवारें हैं वो भी बनाने का काम किया जा रहा है, और इसमें मार्बल लगाने का भी काम किया जा रहा है। तो यही काम चल रहा है देखो आप लोग, क्योंकि सेटिंग लगी हुई है, देखो ये काम को किया जा रहा है जोरों शोरों से, और अब इस पर ट्रैक बिछाने का काम वो स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जो इसमें ट्रैक स्लैब डालते हैं ना, पहले स्लैब डाले जाते फिर उसके बाद में ट्रैक बिछाया जाता है, इसके बाद में फिर इलेक्ट्रिक सिटी के खंभे लगाए जाएंगे, उसके ऊपर OHE वायर का काम किया जाएगा। तो अभी बहुत सारा काम है देखने के लिए। और ये आ जाता है दोस्तों दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को भी, ये RRTS की लाइन क्रॉस कर रही है, यहाँ से हम चढ़ चुके हैं किस पे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे। तो यहाँ पर तो बिल्कुल काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आगे आप लोगों को बिल्कुल सामने देखने के लिए मिलेगा मेरठ साउथ RRTS का स्टेशन, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। तो ये चला जाता है दिल्ली के लिए। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, ऐसी वीडियो देखने के लिए के पसंद को लाइक शेयर कमेंट करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।